मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। गरीब लोगों के उत्थान के लिए सरकार भले ही लाख दावा करे, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कुछ और है। आज भी ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले जरूरतमंद गरीब तबके के लोग शासन की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के देवास जिले के पिपलिया घाघरा गाँव के सामने आया है, जहाँ गरीब दंपत्ति और उनके पुत्र को प्रधानमंत्री आवास तक नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री आवास के लिए उन्होंने शासकीय कार्यालय के चक्कर काटे, अधिकारियों के खूब चक्कर लगाए, सचिव और अधिकारियों से भी आवेदन निवेदन किया, लेकिन उन्हें पात्र होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। अब दंपत्ति प्रधानमंत्री आवास के लिए अपने भाग्यों को कोसते नजर आते हैं। नेमावर बेल्ट से लगे बाढ़ प्रभावित गाँव जो कि नवल गाँव पंचायत का पिपलिया घाघरी है, जहाँ के अनूप सिंह ने बताया कि उनका गाँव बाढ़ प्रभावित गाँव है। वह लंबे समय से प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पात्र होने के बाद भी प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया गया। उनका कहना है कि गांव के उन अपात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, यानी कि जिन्हें सुविधा नहीं दी जानी चाहिए थी उन्हें मिली। जिनके जमीन है, पक्के मकान हैं, उन्हें मकान दे रहे हैं, और जो बेचारे असली गरीब हैं उन्हें मकान नहीं मिल रहे। लेकिन पात्र होने के बाद भी उन्हें आवास की सुविधा नहीं मिल पाई। उनका यह भी कहना था कि हाल ही में गांव में 73 प्रधानमंत्री आवास आए हैं, जिनमें भी उनका नाम नहीं। उनका कहना है कि उनके परिवार में 4 लड़के 2 लड़कियां हैं, वह भी प्रधानमंत्री आवास के पात्र हैं, लेकिन उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। आखिर संबंधित विभाग के अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे, यह सोचने वाली बात है। आवेदन करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए शासन के CM हेल्पलाइन के साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी पीड़ा से अवगत कराया, लेकिन वही ढाक के दो पात, कुछ नहीं हुआ। मैं इस समय खड़ा हूँ पीपलिया घाघरा गांव में, जो नवलगांव पंचायत के अंतर्गत आता है। वहाँ के कुछ लोगों की अपनी एक परेशानी है। परेशानी ये है कि उनको जो झुग्गी मिलना चाहिए था वो झुग्गी नहीं मिल पाई। मेरे साथ अनूप सिंह जी है, उसी पीपलिया घाघरा गांव के। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उनकी क्या परेशानी। अनूप सिंह जी बताइए, क्या परेशानी है आपको? सर, मेरी परेशानी ये है कि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और मैं झुग्गी की मांग कर रहा हूँ, और झुग्गी मेरे को अभी तक नहीं मिली है। जो बड़े लोग को मिल रही है झुग्गी, जो जिनका पक्का मकान बंधा हुआ है, उन लोगों को डबल डबल झुग्गी मिल रही है। मुंह देखी बातें हो रही है, मंत्री सचिव सुन नहीं रहे हैं। बस यही समस्या है सर, मेरी झुग्गी की मांग है। मुझे प्रधानमंत्री आवास मेरे को रहने के लिए चाहिए, मेरे पास कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है। आपने देखा है, अनूप सिंह जी का कहना है कि उन्होंने झुग्गी के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए अधिकारियों के साथ ही ग्राम पंचायत के सचिव से भी कई बार निवेदन किया, लेकिन उनको आज तक झुग्गी नहीं मिल पाई। जबकि उनका ये भी कहना है कि गांव में जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, जिनके पास मकान पक्का है, जमीन है, उन लोगों को झुग्गी दे दी गई, लेकिन एक गरीब आदमी को जो उसका पात्र है, हकदार है, उसको आज तक झुग्गी नहीं मिली गई। समाचार एक्सप्रेस के लिए देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनूप सिंह जी केवट। कहाँ रहते हो आप? पीपलिया घाघरा। ये कौन सी पंचायत में आता? नवलगांव पंचायत में आता सर। ये क्या समस्या आपकी? ये प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं मिला हमें, शासन द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया। मेरा 4 बच्चे हैं, उनको भी अभी तक कोई लाभ नहीं दिया गया। इनकी ID भी अलग अलग है, न कोई राशन कार्ड बना है उनके बच्चे उनका, न कोई प्रधानमंत्री आवास दिया गया है, न मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है, अभी तक मेरे को भी कोई लाभ नहीं मिला है। तो गांव में किन लोगों को ये लाभ दिया गया है? ये लाभ जिन लोगों को दिया गया सर, जिनका पक्का मकान बंधा है, जिनकी जमीन है, जिनका पास ट्रैक्टर है, जो मुंह देखा काम हो रहा है, जो सचिव द्वारा मनमानी की जा रही है। तो इस संबंध में आपने कोई शिकायत करी, सचिव से बातचीत करी आपने? जो सचिव से बात करी, सचिव नट रहा है सर। क्या बोले, तुम्हारा नाम नहीं आया आगे से? क्यों नहीं आया? पर हमको यही पूछना कि क्यों नाम नहीं आया, तो बोले आगे से तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, जबकि सर्वे वे करके ले जा रहे हैं, बात सब भी कर रहे हैं हमसे, और हमको तो आगे के उनने ले गया 4 बार। हमको समझा बुझा के भगा देते हैं अधिकारी, उन भी जनपद पंचायत में जाते हैं तो अधिकारी उन भगा देते हैं। जो नई पीढ़ी उनको दे दी, एक एक घर में जो हमारे सामने जो पैदा हुए हैं गांव में बच्चे, जिनका नाम अभी जुड़ा और तुरंत उनको नाम दिए गए, और हमारे बच्चे उनको भी नाम नहीं जोड़े उनने। नाम है आपका? शांता भाई। कहाँ रहते हो आप? पीपलिया घाघरा। ये कौन सी पंचायत में आता है गांव? नवलगांव पंचायत। क्या समस्या आ रही है आपको? हमारे को साफ झुग्गी नहीं मिली। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास। तो ये झुग्गी आपको नहीं मिली है, तो आपने इसकी शिकायत या इसकी करी? हमने शिकायत जनपद पंचायत वाले, तो वो कह रहे कि अगले लाड आगा उसमें देंगे, तो जब लाड कब तक देगा? हम 2-3 4-4 चक्कर चले गए, हमको समझा बुझा के भगा दे वहाँ से। तो गांव में और लोगों को मिली क्या? सबको मिल गई गांव में, टोटल पूरा गांव में बड़े बड़े किसान उनको मिल गई, हमको हमारा हक मिला, तुम्हारा हक थोड़ी मिला।
हमारे साइड वाले उनको मिल गई, हमको बीच में छोड़ दिए, हमको क्यों छोड़ा। तो ये कब से मांग कर रहे हो आप? हम 2-3 साल होगा सर, और जब आज जब उन्हें यहाँ से फोटो खींच के लगा हमारे मकान के, जब भी हमने बोले सर हमारा नाम डालना के हाथ उनको झुग्गी देंगे, और हमारे साइड वाला उनको दे दिए, हमको नहीं दी। आखिर परेशानी क्या, हमने क्या बिगाड़ा है? ये सचिव से मिले आप? सचिव से मिले, सचिव बोले कि अगले लाड में देंगे तो ऐसा देंगे वैसा देंगे, और हमारा नाम ही नहीं जुड़ रहा। हमारा क्या नाम है आपका? विजेंद्र केवट। कहाँ रहते हो आप? पीपले घगरिया। ये किस पंचायत में? नवल गाँव पंचायत। अच्छा, क्या समस्या आपकी? समस्या ये सर, मैं सचिव के पास करीबन 10 बार चला गया हूँ, पर उसके पास जब भी गया हूँ आवेदन के लिए तो मेरे को भगा देता है, धमकी देता है, तेरे से बने ये कर ले, तेरे को पीएम आवास नहीं मिलेगी, और मैं इसका हकदार हूँ, पात्रता हूँ मैं। और यहाँ पे पीपलिया घाघरिया में 73 से 70 झुग्गी बटी है, उसमें जो भी पात्रता नहीं उसको भी दी गई है। ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं करीबन उसके मैंने शिकायत भी की है 181 पे, उसके बाद भी बोले जो ग्राम सेवक आया था बोले तेरे से बने यहाँ शिकायत कर दे, सीएम तक तेरे को मैं नहीं दूंगा झुग्गी, स्पष्ट बोल गया मैंने उसको। कम से कम 5 बार अगवत करवा दिया, मैंने आवेदन भी नहीं लिया उसने। मेरे पास आईडी वगैरह प्रूफ सब अलग अलग है, मेरा सिस्टम अलग है, परिवार से अलग हूँ मैं, पात्रता हूँ उसके लिए गया मैंने सर, मैंने कहा मैं पात्रता हूँ, मेरे को पीएम आवास चाहिए, आप लिस्ट में नाम जोड़ो, और उसने साफ मना बोल दिया, बोले तेरा नाम नहीं जोड़ूंगा मैं, बोले तेरे से बने जहाँ शिकायत कर देना तू। इसके लिए आवेदन करता हूँ कि साहब मुझे पीएम आवास दे, मेरे पास एक पाव की भी जमीन नहीं है, मैं मजदूरी करता हूँ लोग के यहाँ, पानी फेरता हूँ ठंड में 4 महीने, मेरे 2 बालक है उसको, और गरीब आदमी हूँ, बोला भरा जाता है, अभी इस बार ही बोला भरा गया तो उसके भी पैसे नहीं मिले मेरे को अभी तक। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।